Tapi karena nanti kebetulan langsung. Saya juga mau Make up with my dead folks. These are dead folks, element AB. Okay. If the change in displacement in a string due to bending, is delta x over delta x. Listen, delta x over delta x. Then the difference in displacement of element AB is minus. Now the next one. The changes we get them with respect to x. Data x. But you can have been in the other way, you can see the number of data x. We don't have data x. Data x. But you can see the number of data x. 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 Into delta. Therefore, resultant force in y direction.
आज फ्राइडे है ना, कल सैटरडे है, मेरी 3 दिन क्लास होगी मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे। ओके बस the length of the tree. It's the length. It's the mass of string in per unit length is smaller. Length is smaller. मैंने माना जो आपकी स्ट्रिंग दे रखी है पर यूनिट लेंथ के अंदर मास कितना है स्मॉल है तो पर यूनिट लेंथ का मतलब छोटे से हिस्से में पूरी के लिए कितना हो जाएगा एट टाइम्स देयरफॉर द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट ए बी of a small element A B is M delta S. This M delta S. And the acceleration of the particles of the string. And the acceleration of the particle in the string is bidirectional. उसको रस्सी को पकड़ के लाते हैं तो इधर उधर लाते हैं तो इसका मतलब पार्टिकल जो वाइब्रेट करते हैं वो किस डायरेक्शन में करते हैं बाईडायरेक्शनल द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन बाईडायरेक्शनल कितना होगा डेट स्क्वायर पाई ओवर डेट स्क्वायर फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ फ्रॉम न्यूटन सेकंड लॉ क्या होता है बराबर एम ए एम कितना हो गया मेरा एम डेट है एक्सेलरेशन कितना हो गया डेट स्क्वायर डेल टी कंपेयर कर दो
comparing equation second and third. Comparing equation second and third. ये यहाँ पर लिखे ना velocity of moving nothing. इसको घुमाइए जो वेलोसिटी कहलाती है नॉमिनल वेलोसिटी इतना वेलोसिटी ऑफ नॉमिनल Yes, this equation is called as second order differential equation of waves. This equation is called as second order differential equation of waves. अब देखो वेलोसिटी कितनी है ऊपर या टेंशन फोर्स. टेंशन फोर्स पता है खिंचाव के लिए दूरी घट के तो टेंशन लग रहा है. टी पर आपको कितना लगेगा एम जी मास एम जी मास निकाल लिया वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. ठीक है वॉल्यूम होता है ना पाई एरिया इनटू इसका जो रस्सी दी है रस्सी से लेके तो दी है ले इनटू लो ये तो वॉल्यूम हो गया. इसका और इसको मैं बात में लेंथ कंप्लीट ग्रुप का एल ई लेंथ एल ई पाई आर इसकी बोली है देखो कि डिग्री है वही डिग्री है सर. अब नेक्स्ट टॉपिक इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स. इलास्टिक वेव्स इन सॉलिड्स अब सॉलिड्स के इलास्टिक वेव्स की बात है.
It was then in the solid object. So those are the animals. They made a surface marking. Made the surface to all the cut cut from line. I think that's the research. जो कि इस टाइप का यहां से एक्स्ट्रा अनुनासिक एक्सरसाइज एक्स प्लस टेलर्स अब मैंने यहां से इसको पोस्ट लगाया बजाया जाने पर ए1 सर्च को के वो कॉल करती है एयर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है साइड बी1 को कॉल करती है बी डैश का डिस्प्लेसमेंट वो तो जो इमेज में सरफेस नहीं है उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस है बनाइए इसके अंदर भी आपको पेनिट्रेशन निकाल के लानी है और वही वेलोसिटी की वैल्यू जैसे कि वेलोसिटी और बाउंड्री का वेट के लिए निकालिए आप लास्टिक फोर्स की वैल्यू बोलो ये ए से ए डैश पर जब पहुंचती है जब यहां से आप फोर्स अप्लाई करते हैं देखिए व्हेन टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ सॉलिड रॉड अप्लाइड ऑन सॉलिड रॉड देन अ चेंज इन shape of the rod into shape of the rod into property of plasticity. ये elastic है, elastic होने के लिए पढ़ रहे हैं, elastic होने के लिए इसे वापस ये दब जाती है, दबने के बाद इसे shape change होगा, वापस फिर किस नाना चाहिए कि नीचल कंडीशन में तो मतलब ये अपोजिट फोर्स लगाई कि हमारे फोर्स से किसी को वापस अपने नीचे कंडीशन में लौट आएगा पहले कहा नीचे प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी तो स्टॉप दिस रॉड अप्लाइड इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स रीगेन इट्स शेप regain this shape. Parallel change the vehicle. Let us consider a rod whose cross-sectional area is small a. This is small a. In which waves are propagated positive x direction. In which waves are propagated in positive x direction. Positive z direction. X direction. X direction is 10. We assume two imaginary surfaces, E and B. Yes, we have two imaginary surfaces A and B, which are placed at distance x and x plus delta x
at distance x and x plus delta x from one end of the rod. X plus and x plus. From one end of the rod. So it's not V2. Applied force the wave particle displaced from A to A dash and B to B dash whose displacement is psi and psi plus xi. ये तो यहाँ तक पहुंची जब फोर्स लगाया, जब तक फोर्स नहीं था तब तक ही यहाँ पर थी ये और भी बात जब होगी इनिशियल लेंथ ये और भी कितनी है इंटेंस इनिशियल लेंथ नेक्स्ट लेंथ इनिशियल लेंथ ऑफ प्लेन ए एंड बी इंडेक्स हम निकालते हैं चेंज इन लेंथ इंडेक्स इंडेक्स माइनस ये भी चेंज इन लेंथ इंडेक्स इंडेक्स कुछ ना माइनस करो ये भी इंडेक्स 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 भी प्लस बी बी डैश ए बी माइनस ए डैश माइनस आगे सब अब देखो हमने फोर्स अप्लाई किया है शेप जो चेंज हुई है वो लेंथ के अलावा हुई है लेंथ में तुम्हारा जब लेंथ के अलावा चेंज आता है तो हम इलास्टिसिटी का कौन सी प्रॉपर्टी यूज करते हैं यंग मॉडुलस लेंथ के अलावा तो मतलब उसमें होगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और यंग का फॉर्मूला होता है लॉगरिथमिक स्ट्रेस ओवर लॉगरिथमिक स्ट्रेंथ मतलब अब चेंज इन लेंथ हो रहा है मानेबल लेंथ में चेंज आया तो पहले मैं निकालूंगी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सॉरी स्ट्रेन फिर स्ट्रेस फिर निकालेंगे यंग मॉडुलस पहले लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या होता है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ चेंज कितना हुआ लेंथ में भाई देखिए कितनी थी क्या लिख रहे हो स्ट्रेट और मैं लिख रहा हूं बुलाओ स्ट्रेन है चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ
अब क्या निकालेंगे यंग मॉडुलस लिखिए यंग मॉडुलस ऑफ क्लास कैसे यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी How can the string man show the thing? S. S पहले निकाल चुका कितना है चलो आगे हम निकाल लो अप्लाइड फोर्स किसका फोर्स अप्लाई किया स्ट्रेस का फॉर्म होता है सपोर्ट एरिया तो फोर्स ऑफ दैट इज स्ट्रेस इन टू एरिया स्ट्रेस एरिया स्ट्रेस कितना है और एरिया कितना माना है इसका लोड का देखो फर्स्ट को डाल देना आगे देखिए रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन रिजल्टेंट फोर्स इन एक्स डायरेक्शन एफ पर आप पाई एफ माइनस एफ बी ज्यादा है एफ बी माइनस फिर उसी की तरह एस बी माइनस एस बी माइनस डेल्टा एक्स मतलब तो क्या
The longitudinal strain, the longitudinal strain, the change in longitudinal strain along the length of rod, along the length of rod is the change in longitudinal strain along the length of rod is dx over dx. Dx over dx. So the change in longitudinal strain. So the change in longitudinal strain at A and B. At A and B. A और B के बीच में निकालना है. कितनी डॉट के लिए? मुझे A और B के बीच में निकालना है. A और B के बीच में कितनी डिस्टेंस है? डेल्टा x पर डेल्टा x and the mass of element A, mass of element A. कैसे करते mass solve करते हैं कि mass element A का density volume s volume A डायरेक्ट density लिखो mass में. To stop the estimation of the element AB, the estimation between the element AB is del square psi over del t square
is del square psi over del t square, then according to Newton's second law. Then according to Newton's second law. Here we go last. Last one. There is one constant magnitude. Come on, can I read? इसमें लिखते हैं ना डेंसिटी ऑफ ट्रांसफर स्पेस पहली वाली थी पी ओवर एन लॉगरिथमिक के लिए और ये है ट्रांसफर स्पेस इसमें लिखते हैं ना डेंसिटी ऑफ ट्रांसफर स्पेस पहले लॉन्गिट्यूडिनल के लिए थी ट्रांसवर्स के लिए थी ये देखना जरा चल मैं उल्टा लिखवा दूँ पहले ट्रांसवर्स के लिए पहली बार टॉपिक देखो ट्रांसवर्स के लिए जल्दी लिखवाइए टॉपिक देखो पहले वाले टॉपिक का नाम क्या है कुछ मत काटो पहले वाले टॉपिक का नाम बताओ क्या है ट्रांसवर्स है ना तो वाले को वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स टॉपिक का नाम ट्रांसवर्स ये वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल इसमें भी तो वेलोसिटी ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल है अब पहले वाले में भी तो वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स है रूट टी ओवर एन ये लॉन्गिट्यूडिनल है पहले वाले ट्रांसवर्स है